जब जब एक व्यक्ति को पैसों की जरूरत होती है तो ऐसे में वो व्यक्ति अपना क्रेडिट कार्ड यूज करने की सोचता है, लेकिन तब क्या होता है जब एक व्यक्ति उस क्रेडिट कार्ड को अपनी जरूरत से ज्यादा ही यूज कर ले तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उसके घर पे भेज दिया जाता है एक लंबा चौड़ा नोटिस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप किसी भी अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करें तो वो पेमेंट जो है आपको कैश के थ्रू कितनी करनी है और साथ में उस पेमेंट को आपको चेक के थ्रू कैसे करना है, ताकि आप जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों से दूर रहें और खुद को एक सेफर साइड पर रख लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर आने वाली हर एक डिटेल को नोट कर लेना और इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन निकल कर आता है कि एक व्यक्ति कितने बैंक का क्रेडिट कार्ड अपने पास आखिर रख सकता है। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किसी भी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है, यानी कि किसी भी चीज़ की रोक नहीं लगाई गई है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे फिर वो एक व्यक्ति जो है एक बैंक का क्रेडिट कार्ड अपने पास रखे, 5 बैंक का क्रेडिट कार्ड रखे या फिर 10 बैंक का क्रेडिट कार्ड ही क्यों नहीं रखता। इसमें अगला सवाल आता है कि मान लो एक व्यक्ति के पास SBI का क्रेडिट कार्ड है, HDFC का क्रेडिट कार्ड है, ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, किसी भी बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड है, तो ऐसे में अगर वो व्यक्ति जो है उस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करता है और जब बारी आती है उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने की, तो ऐसे में अगर वो व्यक्ति जो है एक साल में उस पेमेंट को कैश के थ्रू करता है 1,00,000 रुपये से ज़्यादा, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उस व्यक्ति को नोटिस मिलने के। और वहीं अगर बात करें कि मान लो अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट चेक के थ्रू करता है या फिर डिजिटली ट्रांसफ़र कर देता है उस बैंक को, तो इस चीज़ के अंदर उस व्यक्ति के पास किसी भी चीज़ का नोटिस नहीं आता। और ये 10,00,000 रुपये की लिमिट RBI द्वारा इंडिया के अंदर तय की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है 10,00,000 रुपये से नीचे डिजिटली या फिर चेक के थ्रू पेमेंट करता है तो उसके ऊपर किसी भी चीज की जो है नजर नहीं रखी जाती। और सारी बातें घुमा फिरा के सिर्फ एक ही बात पर रुकती है और वो ये है कि आखिर ये जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचाता कौन है और कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है एक व्यक्ति की छुपी हुई इनकम के बारे में। अब आप भी समझदार हैं और ये जानते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति एक बैंक के अंदर अपने नाम का अकाउंट खुलवाने जाता है तो ऐसे में बैंक द्वारा उस व्यक्ति से उसका पैन कार्ड मांगा जाता है और साथ में उस व्यक्ति से उसका आधार कार्ड को लिंक करवाया जाता है। और जब एक व्यक्ति के पैन कार्ड को उसके बैंक अकाउंट से अटैच कर दिया जाता है तो ऐसे में आप बताएं या ना बताएं लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके अकाउंट की हर एक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक व्यक्ति के घर पे एक नोटिस भेजा जाता है तो सबसे पहले उनके ऑफिसर्स द्वारा भी ये चेक किया जाता है कि भाई दरअसल ये जो व्यक्ति है एक साल में कितनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है। ये चीज इसलिए चेक की जाती है कि मान लो किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और ऐसे में वो व्यक्ति एक साल में उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 8,00,000 रुपए कर रहा है, तो फिर अगर उस व्यक्ति ने ये दिखा रखा है कि मेरी एक साल में 3,00,000 रुपए ही इनकम है, तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उसके घर पे नोटिस भेजा जाता है ये एक्सप्लेनेशन मांगते हुए कि अब आपको ये बताना है कि ये जो 8,00,000 रुपए आपने खर्चे हैं ये 8,00,000 रुपए आपके पास कहां से आए और ये जो आपकी इनकम है ये आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर क्यों नहीं दिखाई है। तो ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति 2 नंबर का काम करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर 50% से 200% तक पेनल्टी लगा दी जाती है। ऐसे में बेहतर यही रहेगा कि आप अपनी इनकम को मत छुपाइए क्योंकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों से कहीं तक नहीं बच सकते। और फिर अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपाने की कोशिश करे तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसी ही लीगल नॉलेज तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।